Hey guys, hi, hello and namaste. Welcome back to Burgoni Sisters YouTube channel. इस व्लॉग में हम देखेंगे पुणे का प्रति बालाजी टेम्पल जो कि केतकावले विलेज में स्थित है. सबसे पहले हमने यहाँ टीका लगवाया और चल पड़े दर्शन करने की ओर. केतकावले विलेज पुणे से 45 किलोमीटर दूर था, सो 2 घंटे का ट्रैवल करते हुए हम यहाँ पे पहुंचे. आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी का जो टेम्पल है उसका कम्प्लीटली रेप्लिका है ये पुणे का प्रति बालाजी टेम्पल. हमें यहाँ आके बहुत ही ब्लेस्ड फील हुआ. बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शन हो गए थे, बट लिटरली यहाँ का वेदर, ये पूरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये ब्यूटीफुल सा टेम्पल, यहाँ की ग्रीनरी, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल. मुख्य मंदिर के भीतर श्री वेणुगोपाल स्वामी, सुदर्शन स्वामी, नरसिम्हा स्वामी तथा पद्मावती देवी और गोदावरी माता, ऐसे देवी देवताओं के टेम्पल है. मम्मी और हम तीनों बहनों ने अच्छे से दर्शन कर लिए और चल पड़े आगे भोजनालय की ओर. इस टेम्पल को बनाने के पीछे एक हिस्ट्री थी, उसको जानते हैं. ये है डॉक्टर बीवी राव जो कि इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री के फादर जाने जाते हैं. उनके बेटे वेंकटेश्वर राव, बालाजी राव और डॉक्टर अनुराधा देसाई. डॉक्टर बीवी राव जो कि संस्थापक है इस टेम्पल के, उनकी बहुत श्रद्धा थी और वो बहुत मानते थे तिरुपति बालाजी को. सो सर्व सामान्य लोग जो कि वहाँ जा नहीं सकते, उनके लिए उन्होंने ये टेम्पल पुणे महाराष्ट्र में बनाने की उनकी सोच थी, जो कि उनके बेटों ने पूरी की. बालाजी ट्रस्ट को अभी वो चलाते हैं और इस टेम्पल की पूरी व्यवस्था वो देखते हैं. 1996 से 2003 तक उन्होंने 27 करोड़ में ये टेम्पल बनाया. अच्छे से हमने प्रति बालाजी टेम्पल के दर्शन कर लिए और खाना वाना खा के भोजनालय में अभी हम चल पड़े नेक्स्ट स्टॉप की ओर जो कि है दत्त टेम्पल. जाने से पहले हमने यहाँ पे कुछ फोटोज़ वीडियोस क्लिक किए, उसके कुछ ये शॉट्स. वीकेंड्स पे फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ ज़रूर आइए, बेस्ट प्लेस टू विजिट. जाते वक्त हमने प्रति शिरडी के इस शॉपिंग स्ट्रीट की ओर देखा और चल पड़े हमारे नेक्स्ट स्टॉप की ओर. सुबह सुबह के इस ब्यूटीफुल से वेदर में लावण्य अपने ड्रेस को फ्लॉट करते हुए हमारा ये प्रति बालाजी टेम्पल का शॉर्ट सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा. हमने नोटिस किया बहुत से लोग ब्लॉग को पूरा एंड तक देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते. डू सब्सक्राइब गाइज, आपके सपोर्ट से हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और मोटिवेशन मिलती है न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स बनाने के लिए. सो कीप सपोर्टिंग अस. नेक्स्ट स्पॉट हमारा था नारायणपुर. सो प्रति बालाजी टेम्पल से नारायणपुर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर दूर था. सो सुबह सुबह हम चल पड़े दत्त टेम्पल की ओर. सो चलो चलते हैं. एक मुखी दत्त स्वामी के यहाँ हमने दर्शन किए. नारायणपुर के इस दत्त टेम्पल की बहुत मान्यता है. लोग कहते हैं कि यहाँ पे अब जो भी मनोकामनाएं मांगते हो वो पूरी हो जाती है. सो लास्ट टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आई थी और इस बार मैं अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे आई हूँ. दत्त महाराज के दर्शन करने के बाद हम आ गए भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इस टेम्पल में. हम तीनों बहनें स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं. अलग अलग टेम्पल्स में जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है. नारायणपुर में भोलेनाथ का ये बहुत ही पौराणिक मंदिर था. बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पे दर्शन हुए नारायणेश्वर टेम्पल में. टिल देन हमारे साथ व्लॉग में जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बुरगोनी सिस्टर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट मोर सच काइंड ऑफ अ वीडियोस. वी विल कम सून विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग्स. ओके बाय.